दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज फोरम के मरकजी ऑफिस में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि सरवरे कायनात की बारगाह में हदिया नात पेश की गई। तकरीब में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर ओवरसीज फोरम सनावर इलाही एडवोकेट ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब से सदर ओवरसीज फोरम फ्रांस चौधरी तारक जावेद, लीगल एडवाइजर अबू सुफियान तारड़ एडवोकेट ने खताबात किए। मुकर्रीन ने दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज फोरम की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम कश्मीर में होने वाले जुल्म की मजम्मत करते हैं और हर महाज पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हमारा रिश्ता कलमा हक का रिश्ता है। मुकर्रीन ने अक्वामे मुत्तहिदा, अमन तंजीमों, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कश्मीरियों की आजादी के लिए अमली किरदार अदा करें। तकरीब में सदर ओवरसीज फोरम जर्मनी चौधरी मोहम्मद अरशद रांझा, सेक्रेटरी स्पेन मजर इकबाल रांझा, मीडिया कोऑर्डिनेटर मंडी बहाउद्दीन साहबजादा चंद, मकसूद अहमद सिद्दीकी, जहीर बाबर असद, दीगर ओवरसीज ओहदेदारान, मिम्बरान, मौजूदीन इलाका ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर ओवरसीज फोरम की रोजगार स्कीम के तहत लीगल एडवाइजर अबू सुफियान तारड़ एडवोकेट, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर सनावर इलाही एडवोकेट ने दो नौजवानों को रोजगार के लिए फालिया में फ्रेंच गैलरिया के तामुन से, एक मेहनतकश को ग्रोसरी स्टोर और दूसरे मंडी बहाउद्दीन में जिला कचहरी में फ्रूट जूस के कारोबार के लिए अशरफ खान को चेक दिए गए। आहर में शहदाए कश्मीर के साले स्वाब और वतन अजीज कश्मीरी भाइयों के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्ट शाहिद सामल, जियो एक्सप्रेस न्यूज मंडी बहाउद्दीन।